वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मुंह के बहुत सारे संक्रमण होते हैं, दांतों के बहुत सारे रोग होते हैं, गले के बहुत सारे संक्रमण होते हैं और छाले बनना या फिर आपको अंदर मुंह के अंदर किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है, इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी है। इसीलिए आपको छाले बनने या फिर बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है कि अचानक से आपको गले में दर्द होने लगता है, आपके टोन्सिल आ जाते हैं, आपके छाले बार बार होते हैं। इसी तरह से आपके मुंह के अंदर आपके दांतों के मसूड़ों के यहाँ पर छाला बन सकता है। उस छाले को बहुत सारे लोग मसूड़ों में गांठ बनना बोलते हैं, बहुत सारे लोग मसूड़ों के अंदर फुंसी बोना बोलते हैं, या फिर आप मुंह के अंदर मसूड़ों के ऊपर छाला बोलना भी बोल सकते हैं। यानी कि दिखता वह छाले की तरह ही है और मसूड़े के ऊपर वो छोटा सा एक छाला बन जाता है, एक फोड़े के रूप में बनने लगता है। इसके पीछे आज ऐसे कौन से कारण है हम वह जानेंगे और इसके लिए ऐसे उपाय करेंगे कि ये समस्या बिल्कुल सही हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके मुंह में कहीं पर भी छाले होते हैं तो हम उसका उपाय जल्दी से कर पाते हैं, लेकिन यह छाला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यह बीमारी आगे बढ़कर आपको गंभीर समस्या दे सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ यूजफुल है तो सभी के साथ जरूर शेयर किया कीजिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूले। और नए दर्शक पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मैं जैसे ही वीडियो पोस्ट करूं आप तक आ सके। दिखने में वो बिल्कुल छोटा सा एक फुंसी के रूप में उभरता है और धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। ये समस्या आपके मसूड़ों के ऊपर या नीचे कहीं पर भी बन सकती है। अब ये बनती छोटे सी फुंसी की तरह है लेकिन धीरे धीरे फूलती जाती है, इसके अंदर मवाद भरने लगता है और थोड़े थोड़े दिनों के अंदर क्या होता है उसमें से खून बहता है। इस प्रकार की समस्या होने लगती है और अंदर से उसमें से पीप निकलने लगता है। कई बार छाला जो होता है बिल्कुल छोटा सा हो जाता है और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अधिकतर ये समस्याएं किस कारण से होती है हम पहले वो जानेंगे। महिलाएं ऐसी होती है जिनकी डिलीवरी होने के बाद में वो पूरा पौष्टिक आहार नहीं ले पाती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहती है, या आपको किसी प्रकार का मुंह का कोई रोग हो रहा होता है तो आपके हार्मोन्स बदलने के कारण इस प्रकार की समस्या होने लगती है। यहाँ पर मसूड़ों पर इस तरह से गठान जैसा बनने लग जाता है, कई बार वो उभर जाता है, कई बार वो कम होने लगता है। यानी कि प्रेगनेंसी के बाद में इस प्रकार की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कई बार हार्मोन्स बहुत ज्यादा तेजी से बदलते रहते हैं जिसके कारण आपको इस प्रकार का संक्रमण हो जाता है। आप देखते हैं कि क्या हुआ है और जब आप उसको हाथ लगाते हैं तो बहुत अटपटा सा लगता है, उभरा हुआ लगता है, आप मुंह भी बंद करते हैं तो बहुत अटपटा सा लगता है और धीरे धीरे वो बढ़ता है, बढ़ने के बाद में फूलता है, फूलने के बाद उसमें से खून निकलने लगता है। जब आप उसको देखते हो तो देखते ही देखते वो बड़ा होता जाता है। इस प्रकार की समस्याओं को कभी भी इग्नोर ना करें। शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी है, बहुत ही ज्यादा आपके एसिड बनता है तो यह समस्या भी आपको हो सकती है कि आपके ऊपर के मसूड़ों के एरिया में आपको इस प्रकार से छोटा सा फुंसी जैसा बन जाएगा या फिर नीचे मसूड़ों पे इस प्रकार से गठान जैसा बन जाएगा। किसी व्यक्ति को विटामिन B12 की कमी होने लगती है तो आपके दांतों में, मसूड़ों में और मुंह के अंदर बहुत ज्यादा संक्रमण बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे ही कारण होते हैं लेकिन यह समस्या ऐसी समस्या है कि इसका परमानेंट इलाज बिल्कुल नहीं है। अगर आप डॉक्टर से इसका परामर्श लेते हैं, थोड़े दिन तो आपको दवाइयां देते हैं ताकि वो बिल्कुल सही हो सके। कई बार ऐसा होता है कि उसके कारण दर्द होने लगता है, दांतों में, कान के पीछे, फेस पर इस प्रकार दर्द होने लगता है तो आपको पेन किलर भी दी जाती है। लेकिन उससे भी अगर आपको आराम नहीं आता है तो डॉक्टर फिर उसको निकालते हैं, उसका ऑपरेशन होता है या और भी बहुत सारी समस्या होने लगती है। अगर आपको इस प्रकार समस्या है कि आपके छोटा सा ही मसूड़े पे कुछ बन रहा है तो सबसे पहले तो डॉक्टर से परामर्श लीजिए और आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ उनको अगर आप करेंगे तो आपको काफी आराम आएगा। यानी कि 100% भी अगर सही हो सकता है आप सही ढंग से उसकी देखरेख करें तो। जैसे कि डिलीवरी के बाद ये समस्या होती है इसका मतलब यह है कि ज्यादा कमजोर हो जाती है और बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, हार्मोन सब कुछ बदलने लगता है जिसके कारण ये समस्या होती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा यह है कि डिलीवरी के बाद एक तो आप अच्छी नींद लें, बिल्कुल भी चिंता ना करें और अगर हो सके तो आप योग को जरूर अपनाएं। साथ में ही आप क्या करें, पौष्टिक आहार का सेवन करें, जैसे अंकुरित अनाज हो गया, इन सबका आपको जरूर सेवन करना चाहिए। अगर आप डिलीवरी के बाद ये समस्या होती है तो ये समस्या बढ़ सकती है, आप क्योंकि नींद पूरी नहीं लेते उस समय पर अपना पूरा केयर नहीं कर पाते हैं जिसके कारण शरीर में बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ जाती है जिस पर ध्यान नहीं जाता। अगर किसी और कारण से आपको ये समस्या हुई है तो आप क्या करें,
थोड़ा सा नीम की छाल लेकर आए, उसे पानी के अंदर अच्छे से घिस ले, और जहां पर भी जैसे कि निचली मसूड़ों पे, ऊपरी मसूड़ों पे, कहीं पर भी इस प्रकार का संक्रमण होता है वहां पर उस पेस्ट को लगा दे। यहां पर लगाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मुंह के अंदर ये पूरा ढक जाता है, जिसके कारण पूरा वो लेप ज्यादा समय तक नहीं टिकता। लेकिन आपको बार बार इस तरह का लेप बना करके लगाना है, और हो सके तो आप थोड़ी सी देर से पकड़ के रख सकते हैं ताकि मुंह खुला हुआ रहे और वो जल्दी से सूख जाए। अगर इस तरह से आप करते हैं तो वहां पर जो बैक्टीरिया पैदा होते हैं वो खत्म होने लगते हैं। वहां पर अगर आपको किसी प्रकार की फुंसी बनने लग गई है, मवाद हो गया है, खून आने लग गया है, तो वो भी संक्रमण सही हो जाए। तो इस उपाय को आप रोजाना करेंगे तो आपको आराम मिलने लग जाएगा। बस आपको छाल को घिस करके और वहां पर लेप करना है। दूसरा उपाय भी ऐसा ही है कि नीम की पत्तियों को लाना है और बार बार उसी पानी से आपको मुंह की सफाई करनी है। नीम के पानी से अगर आप मुंह को साफ करेंगे, कुल्ले करेंगे, गरारे करेंगे, तो दांतों के अंदर या फिर मसूड़ों पे किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया संक्रमण हुआ है उसको आप सही कर पाएंगे। तो नीम का प्रयोग करने से आप इस चीज को बिल्कुल सही कर सकते हैं, लेकिन 100% तभी सही होगा जब आप इस पर फोकस करके इसका पूरी तरह से केयर करेंगे। इसके साथ में आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, खाने पीने पर अच्छी चीजें खानी है, ध्यान देना है, और बार बार उस चीज को सोचना नहीं है कि ये मुझे क्या हो गया, तभी जाकर के इससे आप बच सकते हैं। इस उपाय को करेंगे तो आपको काफी ज्यादा आराम मिलेगा। आवाज निकलने लगता है, वो फूट जाता है, तो वहां पर आप थोड़ा देसी घी लगा देंगे तो वहां पर सॉफ्टनेस आ जाएगी, वहां पर मॉइस्चराइजर खत्म हो गया होगा तो आ जाएगा, और आपके बार बार छाला बनना या वहां जलन होती है, दर्द होता है, उसमें भी आपको आराम आ जाएगा। तो इन उपायों को करने पर आपको काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये समस्या बहुत ही ज्यादा छिपी हुई रहती है क्योंकि बहुत सारी औरतें, बहुत सारे आदमी जिसको भी ये समस्या होती है वह सोचते हैं कि थोड़े दिन में बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन ये गंभीर समस्या बन सकता है अगर आप इसका ध्यान ना रखें। अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ यूजफुल है तो सभी के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।